ये क्या हुआ? मजा आ गया। अरे यही तो चाहती थी गुंजन, और यही तो चाहते थे सारे लोग कि गुंजन और मयंक एक हो जाएं। और आज वो घड़ी आ गई जब दोनों का हो गया शुभ विवाह। लेकिन ये क्या, इतना खुशी का मौका है गुंजन, और आपके चेहरे पर ये कंफ्यूज एक्सप्रेशन क्यों है? लेकिन जैसे हर कहानी में आता है ट्विस्ट, वैसे ही यहाँ पर भी आ गया एक जबरदस्त ट्विस्ट और बदल गया गुंजन का दूर। चूर हो गए गुंजन के सारे सपने और शादी में हो गई आदित्य की एंट्री। लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर आए आदित्य, और गुंजन को पहनाई वरमाला और मंगलसूत्र, और हाँ सात फेरे भी लिए। गुंजन बहुत ही बदतमीज और कंफ्यूज लड़की है, और उसको बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या चाहती है अपनी लाइफ में, इसलिए शादी कर वो एडी से रही, लेकिन इमेजिन बार बार मयंक को कर। वैसे गुंजन मैडम, अब आप ज्यादा सपने वपने देखना बंद कर दीजिए। अरे इस रईस जादे के साथ आपकी शादी हो रही है, जरा इस मोमेंट को एंजॉय करिए ना। ऑस्ट्रेलिया का NRI, बहुत पैसा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है मेरे पास, फरारी है मेरे पास, और फरारी मेरे पास, हमर है मेरे पास, आदित्य के पास हमर है, और बहुत बड़ी बड़ी लविश कारें हैं। तो जिसकी सब तमन्ना है, जिसने अभी बोला कि इटली का वो है, तो मैं इसे हनीमून के लिए इटली ले जाऊंगा गुंजन को, अगर इसे जाना पसंद हो। देखा गुंजन, आदित्य आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और तो और आपको पाने के लिए मयंक के साथ पंजा भी लड़ा रहे हैं। और ये देखिए, आदित्य ने मयंक को इस पंजा कंपटीशन में चारों खाने चित कर दिए। तो मतलब क्या, तू जितना प्यार करता जितना गुंजन से, जितना मैं करता हूँ? नहीं, मैं नहीं करता। नहीं करता तो हारो। मयंक का गुंजन से प्यार नहीं करता है। मयंक का जो लव इंटरेस्ट है वो कोई और होने वाला है, और वो जब आएगी मयंक की लाइफ में तो मयंक की जिंदगी और सवर जाएगी। अब बताइए गुंजन, कि आप किसे करेंगे चूज, मयंक को या आदित्य को? उस इंसान को पहनाना चाहूंगी जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। ओके, रेडी? रेडी, 1 2 3 गो। थैंक यू। बेस्ट है, बेस्ट है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। देखा आपने, इतने सीरियस माहौल में भी गुंजन की मस्ती बिल्कुल कम नहीं होती। दुल्हन बनकर उन्हें ना जाने क्यों इतनी हंसी आ रही है, और बीच बीच में अंगड़ाइयां भी ले रही है वो। लेकिन सबसे मजेदार तो उनकी ये बड़ी सी नथ है जो उन्हें बार बार परेशान कर रही है। खैर कोई बात नहीं गुंजन, उम्मीद करते हैं कि शादी खत्म होते होते आपको अपना ये भारी भरकम लहंगा और ये नथ संभालना जरूर आ जाए।